हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद रिद्धिमा। तो ये तो आपको पता ही चल चुका होगा, आपने हिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स किए हैं कि आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आप 6 से 10 तक की अगर कंप्लीट कर लेते हैं टेस्ट सीरीज जो है वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स किसी की भी, तो आपका राजस्थान का कोई भी एग्जाम, रीट हो, पटवार हो, RAS, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, राजस्थान का कोई भी एग्जाम है वो आप पार कर लेंगे। तो ये आपका नींव जो है वो इतनी मजबूत बना देगी कि आप कोई भी एग्जाम को देंगे क्लियर होगा। तो आज से हम 6 क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद जब ये पॉलिटी भी हो जाएगी आपकी तो हम ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता की ओर से सरकार में भागीदारी निभाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता की ओर से सरकार में भागीदारी निभाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है तानाशाही, राजतंत्र, लोकतंत्र, लास्ट है कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो सरकार है वह जनता द्वारा चुनी जा रही है, तो सोचिए इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। तो आपका आंसर होगा लोकतंत्र। ओके, लोकतंत्र होगा क्योंकि जो प्रतिनिधि है जनता का, यानी सरकार जो चुनी जा रही है वो जनता द्वारा चुनी जा रही है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की सरकार बनाने में जनता की भागीदारी नगण्य होती है। तो किस प्रकार की सरकार बनाने में जनता की भागीदारी बिल्कुल नहीं होती है, तो यहाँ जनता की बिल्कुल भागीदारी नहीं है। और लोकतंत्र में हमने देखा था कि वहां जनता ही चुनती है। फर्स्ट है तानाशाही, राजतंत्र, लोकतंत्र और कोई नहीं। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा राजतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र में तो जनता चुनती है और राजतंत्र जिसमें राजा का ही प्रभुत्व जो है वह होता है, जनता की इसमें कोई भी भागीदारी नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। तो एग्जाम में जब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो हमसे कहां से पूछा गया है, तो देखिए क्वेश्चन जो है वो कहीं से नहीं आते हैं, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जनता के प्रति उत्तरदायी व जवाबदेही सरकार है। ऑप्शन है राजतंत्रीय, तानाशाही, लोकतंत्रीय और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन जो है वो पूछने का तरीका बदल गया है, लेकिन आंसर हमारा वही होगा कि जनता के प्रति उत्तरदायी है और जवाबदेही है, तो वो सरकार कहलाती है लोकतंत्रीय सरकार। नेक्स्ट है, सरकार का चुनाव किस वर्ष की आयु का वयस्क नागरिक कर सकता है। सरकार का चुनाव, तो ये आप भी जानते हैं क्योंकि आप भी सरकार का चुनाव करते हैं, तो एक वयस्क नागरिक कर सकता है जिसकी आयु 20 वर्ष हो सकती है, 21 वर्ष हो सकती है, 18 वर्ष हो सकती है या 25 वर्ष हो सकती है। तो इनमें से क्या सही होगा। तो इसका आंसर जो है वो आपको तो पता ही होगा कि यदि किसी वयस्क नागरिक की आयु 18 वर्ष है तो वह सरकार को चुन सकता है, सरकार का चुनाव कर सकता है। इससे पहले ये आयु जो है वो 21 वर्ष थी, तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए 18 वर्ष, क्योंकि कई बच्चे जो है उनको नहीं पता होगा 18 वर्ष के ऊपर यदि आपकी आयु है तो आप सरकार चुन सकते हैं। नेक्स्ट है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून कब बना। बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून कब बना, तो इसका ऑप्शन है 2008, 2004, 2005 और 2009। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून बना 2005 में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में बाल अधिकारों से संबंधित अधिवेशन कब आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में बाल अधिकारों से संबंधित जो अधिवेशन था वो कब आयोजित किया गया। ऑप्शन देखिए 20 नवंबर 1989, 14 नवंबर 1989, 10 नवंबर 1990 या 20 नवंबर 1990। देखिए ऑप्शन मैंने आपको आज दिए हैं पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर में और हिस्ट्री में बिल्कुल नहीं दिए थे, तो अगर आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो वहां पर आप तुक्का भी
लगाते हैं तो आपको गलत याद भी रह जाता है। इसीलिए मैं ऑप्शन नहीं देती हूँ। ऑप्शन का काम जो है वो आप एग्जाम में करिएगा, तो जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें मैं आपके लिए ऑप्शन नहीं दूंगी। केवल आपको याद करने की वजह से क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो चलाई हुई है। एग्जाम में जैसे ही आप देखते हैं उस क्वेश्चन को, आपको उसका आंसर पता होता है, तो वहाँ ऑप्शन जो है वो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ में बाल अधिकारों से संबंधित अधिवेशन 20 नवंबर 1989 को आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा स्वीकार किए गए समस्त अधिकारों को भारत सरकार ने सहमति कब प्रदान की? ऑप्शन है 11 दिसंबर 1992, 14 नवंबर 1992, 15 अक्टूबर 1990 और 20 नवंबर 1992। तो इसका राइट आंसर है 11 दिसंबर 1992। तो इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बाल अधिकारों से संबंधित अधिवेशन कब आयोजित किया गया। तो यहाँ पूछा गया है कि बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा स्वीकार किए गए समस्त अधिकारों को भारत सरकार ने सहमति कब दी, भारत सरकार ने कब दी, तो ये 11 दिसंबर 1992। नेक्स्ट है, जो व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर छोटे व्यापारियों को भेजते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका सटीक आंसर आपको पता होना चाहिए। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो वहां आप तुक्का लगाने की भी कोशिश करते हैं, तो हमें तुक्के वाले काम नहीं करना है। केवल इसी चैप्टर में मैं आपको ऑप्शन दूंगी, नेक्स्ट चैप्टर में ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। जो व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर छोटे व्यापारी को भेजते हैं थोक व्यापारी कहलाते हैं, खुदरा व्यापारी कहलाते हैं, हाट व्यापारी कहलाते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा थोक व्यापारी, क्योंकि थोक व्यापारी ही होते हैं जो बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर छोटे व्यापारियों को भेजते हैं। नेक्स्ट है, साप्ताहिक बाजारों को डैश भी कहते हैं, साप्ताहिक बाजारों को डैश भी कहते हैं, विशेष बाजार, हाट बाजार, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो साप्ताहिक बाजारों को जो कि हफ्ते में लगते हैं उनको कहते हैं हाट बाजार। नेक्स्ट है, सहकारिता का मूल मंत्र है, सहकारिता का मूल मंत्र है सबके लिए, सबके हित में एक का हित, एक सबके लिए, सब एक के लिए व सबके हितों में हमारा हित, और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो सहकारिता का मूल मंत्र जो है वो आपको याद रखना है कि एक सबके लिए, सब एक के लिए व सबके हितों में हमारा हित, यह सहकारिता का मूल मंत्र है। नेक्स्ट है, किन्हीं आर्थिक व सामाजिक हित वाले क्रियाकलापों के उद्देश्य से कम कितने व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक सहकारी समिति का गठन करते हैं? तो सहकारी समिति तो वही होती है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, तो एक प्राथमिक सहकारी समिति का गठन करते हैं तो उसमें कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर इस कार्य को करते हैं? वन है 20, 15, 16 या 18। इसका सही आंसर है कि 15, कम से कम 15 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक सहकारी समिति का गठन करते हैं। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब मनाया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये आपके हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1987, 1988, 1986 या 1990। तो ये आंसर आपको मालूम ही होगा कि सन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। नेक्स्ट है, उपभोक्ता प्रत्येक स्तर पर कितने दिन की अवधि में न्याय के ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है? उपभोक्ता प्रत्येक स्तर पर कितने दिन की अवधि में न्याय के ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है? ऑप्शन है 30 दिन में, 35 दिन में, 25 दिन में या 45 दिन में। तो देखिए, उपभोक्ता जो है वह 30 दिनों की अंदर, 30 दिनों के अंदर न्याय के ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मानक चिन्ह है?
तो यहाँ पर कुछ मानक चिन्ह दिए गए हैं, ISI, FPO, एगमार्क, उपरोक्त तीनों। तो देखिए ये तीनों ही मानक चिन्ह हैं। नेक्स्ट, उपभोक्ता 20 लाख रुपए तक की शिकायत कहाँ करेगा? उपभोक्ता 20 लाख रुपए तक की शिकायत कहाँ करेगा? जिला उपभोक्ता मंच, राज्य उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बना था, तो उसके बाद उपभोक्ता को अपने अधिकारों के लिए शिकायत करने के लिए उसे जिला उपभोक्ता मंच, राज्य उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, यहाँ शिकायत वो कर सकता था जिस अपनी परेशानियों का निपटारा करने के लिए। तो अगर वो 20 लाख रुपए तक की शिकायत लेकर जाता है तो वह जिला उपभोक्ता मंच पर शिकायत लेकर जाएगा। चैप्टर 7 पॉलिटी का, पॉलिटी में मात्र 8 चैप्टर हैं आपके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। क्वेश्चन 1 है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाया गया। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए नगरीय स्वशासन को सशक्त बनाया गया? तो देखिए 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ग्रामीण स्वशासन को सशक्त बनाया गया था, और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए नगरीय स्वशासन को सशक्त बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब व कौन से जिले में हुआ? तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब व कौन से जिले में हुआ। तो देखिए क्लास जो है वो 6 क्लास को कर रहे हैं हम, वहां पर भी इतने अच्छे क्वेश्चन जो है वो निकल कर आते हैं। 2 अक्टूबर 1959 नागौर में, यानी राजस्थान में, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सबसे पहले राजस्थान में हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में, और किस जिले में? नागौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामीण स्वशासन जिसे पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं किस प्रकार की व्यवस्था है? ग्रामीण स्वशासन किस प्रकार की व्यवस्था है? इसका सही आंसर है ग्रामीण स्वशासन एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसको 3 भागों में बांटा गया है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है, उसके बाद जिला परिषद है वो सर्वोच्च इकाई होती है ग्रामीण स्वशासन के अंतर्गत। तो देखिए ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो सरपंच होता है, पंचायत समिति का प्रधान होता है, और जिला परिषद का जिला प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? ग्राम सभा की बैठक जो है वो वर्ष में कितनी बार होती है? तो इसका सही आंसर है कि साल में 4 बार ग्राम सभा की बैठक होती है, यानी कह सकते हैं कि 3 महीने में एक बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ग्राम पंचायत की बैठक माह में कितनी बार होती है? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 3 महीने में एक बार तो किसकी बैठक हो रही थी? ग्राम सभा की। अब हमसे पूछा गया है कि ग्राम पंचायत की बैठक माह में कितनी बार होती है, तो इसका सही आंसर होगा माह में 2 बार, ग्राम पंचायत की बैठक माह में 2 बार होती है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी सर्वोच्च इकाई क्या है? तो ये हम समझ चुके हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है ये, तो सबसे सर्वोच्च इकाई जो सबसे ऊपर थी वह थी जिला परिषद, और सबसे छोटी थी ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है, तो इसे हम समझ चुके हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई है,
तो देखिए यहाँ ग्राम पंचायत की पूछी है, तो ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है वार्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो वार्ड सभा की अध्यक्षता करने वाले हैं वार्ड पंच। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, ग्राम पंचायत के वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधि होता है। ग्राम पंचायत के जो वार्ड होते हैं उनके मतदाताओं का प्रतिनिधि होता है वार्ड पंच। ग्राम पंचायत के जो वार्ड होते हैं वहां मतदाताओं का जो प्रतिनिधि यानी एक जो चुनकर आता है उसे वार्ड पंच कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, ग्राम पंचायत का क्या काम होता है? ग्राम पंचायत का क्या काम होता है? तो चलिए देख लेते हैं क्या काम होता है ग्राम पंचायत का। शुद्ध व स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, सफाई, साक्षरता, स्वास्थ्य, बाल विकास, पोषण को बढ़ावा देना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, महात्मा गांधी नरेगा योजना संचालन, विद्यालय भवन वृक्षारोपण और चारागाहों का विकास। तो ये भी आपको याद रखने हैं कि ये ग्राम पंचायत के कार्य हैं, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे नहीं देगा कि ग्राम पंचायत के ये कार्य कौन कौन से हैं, वो ये देगा कि एक कार्य जो होगा वो इनमें से नहीं होगा। तो सोचिए अगर पंचायत समिति के कार्यों के अंतर्गत दे दिया जाए महात्मा गांधी नरेगा योजना संचालन, तो वहां आप कंफ्यूज हो गए। तो इसीलिए इसे याद रखना है, ग्राम पंचायत का कार्य होता है शुद्ध व स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, सफाई करना, साक्षरता, स्वास्थ्य, बाल विकास, पोषण को बढ़ावा देना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, महात्मा गांधी नरेगा योजना संचालन, विद्यालय भवन वृक्षारोपण और चारागाहों का विकास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ग्राम पंचायत का क्या अर्थ है? ग्राम पंचायत का अर्थ होता है कि छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनती है ना, छोटे छोटे गांवों को मिलाकर तो एक ग्राम पंचायत बनती है, और ग्राम पंचायत के सदस्य उस क्षेत्र के सभी वार्ड पंच होते हैं। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का अर्थ क्या होता है? छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सरपंच का चुनाव कौन करता है? सरपंच का चुनाव कौन करता है? तो देखिए जो बच्चे शहरों से हैं उनको इतना नहीं मालूम होता है, लेकिन गांव के बच्चों को ये चीजें जो है वो बहुत अच्छे से मालूम होती है कि सरपंच का चुनाव जो है वो कौन करता है। सरपंच का चुनाव करने वाले होते हैं ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाता है और तब सरपंच का चुनाव किया जाता है। ग्राम पंचायत के जो मतदाता होते हैं जो वोट डालते हैं उनके द्वारा वोट डाला जाता है और फिर सरपंच का चुनाव होता है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन 15, ग्राम पंचायत के कार्यों की क्रियान्विति के लिए ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक की नियुक्ति कौन करता है? तो ग्राम पंचायत के कार्यों को चलाने के लिए ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक नियुक्त होता है। ठीक है, तो इस ग्राम सेवक को नियुक्त करते हैं करती है सरकार। कौन करती है? सरकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पंचायत समिति का गठन किस प्रकार होता है? पंचायत समिति का गठन किस प्रकार होता है? तो ग्राम पंचायत जो थी वो छोटे छोटे गांवों को मिलाकर बन रही थी, और अब पंचायत समिति का गठन विकास खंड में शामिल सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर होता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत जो थी वो छोटे छोटे गांवों से मिलकर बन रही थी, और अब सेकंड स्तर पर है पंचायत समिति, और पंचायत समिति का जो गठन है वह सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर होता है। ठीक है, तो अब आपको इन बातों से थोड़ा समझ में आ रहा होगा, एक दो बार आप वीडियो को सुनेंगे तो आपको ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, हमारे राजस्थान को विकास की दृष्टि से 33 जिलों को किसमें बांटा गया है? हमारे राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, तो इनको विकास की दृष्टि से किसमें बांटा गया है? इसका सही आंसर है विकास खंडों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ग्राम सभा का क्या अर्थ होता है? ग्राम सभा का क्या अर्थ होता है? तो देखिए किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में यानी कि उस मतदाता सूची में
नाम होना चाहिए उन लोगों का जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। इस तरीके से पूछा जाएगा कि ग्राम सभा का अर्थ जो है वह क्या ये होता है कि जिस भी व्यक्ति की, जिस भी वयस्क की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि उसकी उम्र 18 वर्ष तो हो, उसके साथ ही उसका नाम जो है वह ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में भी होना जरूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, ग्राम सभा का क्या कार्य होता है? ग्राम सभा का क्या कार्य होता है? तो ग्राम सभा का जो कार्य है वह होता है ग्राम के विकास की सभी योजनाओं पर बैठक करना। गांव के विकास के लिए जो भी योजनाएं चलाई जाएंगी तो उन सभी योजनाओं पर बैठक करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, ग्राम सचिवालय व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक माह किस तारीख को ग्राम सेवक, कृषि पर्यवेक्षक, ANM आदि दिन भर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित होते हैं, तो वो डेट कौन सी होती है प्रत्येक माह की? देखिए, 5 तारीख को, 12 तारीख, 20 तारीख को और 27 तारीख को ग्राम सेवक, कृषि पर्यवेक्षक, ANM ये सभी दिन भर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न के प्रमुख हैं, देखिए क्या प्रमुख है यहाँ पर, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति, जिला परिषद है, नगर पालिका और नगर परिषद, तो इनके जो प्रमुख हैं वो कौन कौन होते हैं? ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है सरपंच, ठीक है, याद रखिएगा ये। पंचायत समिति का होता है प्रधान। नेक्स्ट है जिला परिषद का होता है जिला प्रमुख, नगर पालिका का होता है अध्यक्ष और नगर परिषद का होता है सभापति। तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे, ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है सरपंच, तो ग्राम पंचायत का तो याद करना बहुत आसान है, पंचायत यानी पंच, तो यहाँ पर सरपंच, यहाँ पर भी पंच आ रहा है, और जिला परिषद का जिला प्रमुख आ रहा है, तो ये दो तो आपको आसानी से याद हो जाते हैं, और गांव में एक प्रधान होता है जो कि पंचायत समिति का प्रमुख होता है। शहरों की तरफ देखें तो नगरीय स्वशासन में नगर पालिका का अध्यक्ष होता है और नगर परिषद का प्रमुख सभापति होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 22, निम्न कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं? भू अभिलेख अध्ययन करना, ये किसका काम होता है? शक्ति व कानून व्यवस्था, ये किसका काम होता है? और रसद सामग्री उपलब्ध कराना, ये किसका काम होता है? तो भू अभिलेख अध्ययन करना ये पटवारी का काम होता है, जो कि अभी जो बच्चे पटवारी बनेंगे तो उनको क्या काम करना होगा, भूमि का नाप तोल, जो भी अभिलेख होंगे उनका अध्ययन करना होगा। शक्ति व कानून व्यवस्था ये होता है पुलिस का काम, मजिस्ट्रेट का काम। रसद सामग्री उपलब्ध करवाना ये होता है जिला रसद अधिकारी का। देखिए भू अभिलेख अध्ययन करना होता है पटवारी का काम, शक्ति व कानून व्यवस्था मजिस्ट्रेट एवं पुलिस का काम, रसद सामग्री उपलब्ध करवाना ये है जिला रसद अधिकारी का काम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है? जिले का सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वह होता है जिला कलेक्टर। तो आप लोगों ने मूवी वगैरह देखी होंगी ना, तो वहां पर भी होता है कि भाई जिले में अगर कोई, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कहते हैं भाई हम तो जिला कलेक्टर के पास जाएंगे, तो जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर, क्योंकि वहां वो सबसे सर्वोच्च होता है। नेक्स्ट है 24, वर्तमान में हमारे देश में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो कि आपके पॉलिटी में भी चैप्टर में पूछा गया है, तो वहां पर पहले का दिया हुआ था, लेकिन वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसको ऐसे याद रखिएगा 28 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, जिला परिषद का गठन कैसे होता है? जिला परिषद का गठन कैसे होता है? इसका आंसर है एक जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर उस जिले की जिला परिषद का गठन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन
26। जिला परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? जिला परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसका आंसर होगा, प्रत्येक वार्ड का मतदाता द्वारा चुना गया जिला प्रमुख, उसके साथ उप जिला प्रमुख, जिले से निर्वाचित जो भी सदस्य विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा यहाँ जाते हैं वो सदस्य, और समस्त पंचायत समितियों के प्रधान। तो ये सभी लोग जिला परिषद के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 27। वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पर अलग अलग ना पूछ के मैंने एक ही क्वेश्चन में ये सभी डाल दिए हैं कि वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनका जो टाइम पीरियड होता है, कार्यकाल जो होता है, वो कितना होता है? इसका सही आंसर है 5 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28। भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण हेतु कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अभी ये क्वेश्चन जो है वो इजी लग रहा होगा, लेकिन जब ऑप्शन आ जाते हैं ना, तो वहां पर बहुत सारे आ जाते हैं कि लक्ष्मी योजना, उज्ज्वला योजना, जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है, बालिकाओं के संरक्षण हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। निम्न अधिनियम किस वर्ष आए? तो यहाँ पर कुछ अधिनियम दिए हुए हैं, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, बाल यौन हिंसा संरक्षण अधिनियम, कन्या भ्रूण हत्या कानून। चलिए, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में, किशोर न्याय अधिनियम ये 2000 में, बाल यौन हिंसा संरक्षण अधिनियम ये भी 2000 में, और कन्या भ्रूण हत्या कानून 1994 में। तो हम कर रहे हैं 6th क्लास की पॉलिटी, जिसमें हमने 7th चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, इसका सेकंड पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्थानीय नगरीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है। स्थानीय नगरीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, स्थानीय नगरीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है। तो स्थानीय नगरीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? नगर पालिका। देखिए, स्थानीय नगरीय स्वशासन की 3 इकाई होती हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, जिसमें नगर पालिका सबसे छोटी इकाई होती है और नगर निगम सबसे बड़ी इकाई होती है। जिस तरीके से ग्रामीण स्वशासन में, जैसे कि जो ग्राम पंचायत होती है वह सबसे छोटी इकाई होती है, इसी तरीके से नगरीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई होती है नगर पालिका। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, शहरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का स्वरूप कैसे निश्चित किया जाता है? कैसे हम जो स्थानीय स्वशासन के 3 स्तर हैं उनको हम कैसे बांटते हैं? तो इसका स्वरूप निश्चित किया जाता है जनसंख्या के आधार पर। कैसे किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, नगर पालिका कितनी जनसंख्या वाले नगर को कहा जाता है? तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, नगर पालिका जो सबसे छोटी इकाई होती है, 20 20,000 से अधिक और 1 लाख से कम अगर जनसंख्या है उस नगर की, तो वह नगर पालिका के अंतर्गत आएगा। जैसे कि नाथ द्वारा, जो राजसमंद में है, नाथ द्वारा वह नगर जो है वह नगर पालिका के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नगर परिषद कितनी जनसंख्या वाले नगर को कहा जाता है? तो नगर परिषद जो है, जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम हो, वह जनसंख्या वाला नगर क्या कहलाता है? नगर परिषद। तो भरतपुर जो है वो नगर परिषद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, नगर निगम कितनी जनसंख्या वाले नगर को कहा जाता है? नगर निगम कितनी जनसंख्या वाले नगर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, जिस नगर की जनसंख्या 5 लाख या उससे अधिक होती है, तो उससे जनसंख्या वाले नगर को कहा जाता है नगर निगम। तो जैसे कि अजमेर जो है वो नगर निगम में आता है, जयपुर है वह भी नगर निगम के अंतर्गत आता है। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए, नगर पालिका जो होगा वहाँ पर 20,000 से अधिक जनसंख्या और 1 लाख से कम होगी,
उसके बाद 1 लाख से 5 लाख के अंतर्गत नगर परिषद आएगा और 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को नगर निगम कहा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, नगर पालिका का मुखिया क्या कहलाता है? तो नगर पालिका के मुखिया को हम अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपके रीट में पूछ लिए जाते हैं, पेपर 1 में भी पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नगर परिषद का मुखिया क्या कहा जाता है? नगर परिषद के मुखिया को हम कहते हैं सभापति। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, नगर निगम का मुखिया क्या कहलाता है? तो नगर निगम का मुखिया कहलाता है मेयर या महापौर। तो देखिए, हमने देखा कि नगर पालिका का मुखिया अध्यक्ष होता है, नगर परिषद का मुखिया सभापति होता है, और नगर निगम का जो मुखिया होता है उसे मेयर कहते हैं या महापौर कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम का कार्यकाल कितना होता है? नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इन सभी का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इस चैप्टर में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी ही है। शहरी संस्थाओं के क्या कार्य हैं? नगरीय संस्थाओं के क्या कार्य हैं? तो देखिए, कार्य होते हैं इनके शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी, सफाई की व्यवस्था करना, मृत्यु जीवन का पंजीकरण करना, दमकल की व्यवस्था, यानी जहाँ पर आग लग जाए तो वहाँ पर आग बुझाने के लिए जो दमकल जो गाड़ियां होती हैं उनकी व्यवस्था करना, सार्वजनिक बाग, स्टेडियम, पुस्तकालय बनवाना। तो ये सभी शहरी संस्थाओं के काम होते हैं, जैसे हमने नगरीय संस्थाओं के भी कार्य पढ़े थे। शहरी संस्थाओं को धन कहाँ से प्राप्त होता है? अब ये शहरी संस्थाएं जो होती हैं इनको धन जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो इनको धन की प्राप्ति जो है वो केंद्र और राज्य सरकार के अनुदान से होती है, ऋण के रूप में होती है, और शहरवासियों पर जो कर लगाए जाते हैं उनसे इनको धन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निर्वाचित से क्या तात्पर्य है? देखिए, दो शब्द आते हैं, एक शब्द आता है निर्वाचित और एक होता है मनोनीत। आगे जाके ये शब्द जो है वो बहुत ज़्यादा आपके आएंगे, तो इनको यहीं पर क्लियर कर लें कि निर्वाचित क्या होता है। मतदाता द्वारा चुना गया पदाधिकारी, जब कोई वोट द्वारा जो अधिकारी है वह चुना जाता है तो यह कहते हैं कि इसका निर्वाचन हुआ है, ये निर्वाचित हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, मनोनीत का क्या अर्थ है? जैसे कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो निर्वाचन का अर्थ होता है कि वोट द्वारा चुना गया अधिकारी, और मनोनीत का अर्थ होता है कि किसी पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाना, किसी एक पदाधिकारी द्वारा अगर किसी को नियुक्त किया जा रहा है तो वो होता है मनोनीत। तो ये चैप्टर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था। तो इस चैप्टर में भी आपके ज़्यादा फैक्ट नहीं निकल कर आए हैं, तो जितने भी क्वेश्चन बने थे वो मैंने इंक्लूड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिला प्रशासन के कार्य कौन कौन से होते हैं? जिला प्रशासन के कार्य कौन कौन से होते हैं? तो इसका सही आंसर है, जिला प्रशासन का कार्य होता है शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, किसानों से भू राजस्व प्राप्त करना, जनता व सरकार के मध्य कड़ी का कार्य और वनों का विकास। तो ये सभी जिला प्रशासन के कार्य होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, जिले में कितने प्रकार के न्यायालय कार्यरत हैं? जिले में कितने प्रकार के न्यायालय कार्यरत हैं? तो देखिए, इसका आंसर है दीवानी, फौजदारी न्यायालय और राजस्व विवाद। तो दीवानी न्यायालय क्या होता है? जिसमें संपत्ति, विवाह, किराया, ये सभी शामिल होते हैं, यहाँ पर न्याय किया जाता है इन सभी बातों का। फौजदारी न्यायालय क्या होता है? जिसमें मारपीट, चोरी, हत्या, ये सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है राजस्व विवाद, इसके अंदर खातेदारी, लगान, भूमि का उत्तराधिकारी, ये सभी इसमें कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही आंसर है जिला कलेक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन
फौजदारी विवादों में सबसे पहले पीड़ित पक्ष को अपने क्षेत्र के पुलिस थाने में सूचना देनी होती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? तो देखिए, फौजदारी विवाद यानी जो मारपीट, चोरी, हत्या, तो ये होते हैं। तो इसमें जब पीड़ित पक्ष है वह पुलिस थाने में जाके सूचना देता है, तो उस सूचना को हम क्या कहते हैं? तो आप लोगों को पता भी होगा कि इसे एफआईआर कहते हैं, लेकिन कभी हिंदी में अगर आ जाए तो इसे क्या कहते हैं? प्रथम सूचना प्रतिवेदन। क्या कहा जाता है? प्रथम सूचना प्रतिवेदन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट है क्लास 6 है, तो इसमें इसी तरीके के क्वेश्चन हैं। जैसे जैसे क्लास जो है वो बड़ी होती जाएगी, आपके जो फैक्ट हैं वो भी आते जाएंगे और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा। संवैधानिक संस्थाएं क्या हैं? तो इसका सही आंसर है जिनका गठन संविधान के अनुसार हुआ हो, जिनका गठन संविधान के अनुसार हुआ हो वही है संवैधानिक संस्थाएं। तो इसमें कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन, तो ये सभी क्या हैं? संवैधानिक संस्थाएं। नेक्स्ट है 6, न्यायालय के बाहर आपसी समझाइश द्वारा विवादों को समाप्त कराया जाता है। न्यायालय के बाहर आपसी समझाइश द्वारा विवादों को समाप्त कराया जाता है, तो वो कौन सी न्यायालय होती है, कौन सी अदालत होती है? तो वो होती है लोक अदालत, जिसमें जो भी विवाद होते हैं उनकी समझाइश के लिए न्यायालय के बाहर विवादों को समाप्त कराया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, राजस्थान में कितने संभाग हैं? राजस्थान में कितने जिले हैं और कितने संभाग हैं? तो देखिए, राजस्थान में 33 जिले हैं और 7 संभाग हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो यहाँ बस मैं आपको बता दे रही हूँ कि देखिए, एक संभाग होगा आपका बीकानेर संभाग, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चुरू, ये आएंगे। सेकंड जोधपुर संभाग, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, ये आएगा। थर्ड संभाग झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा, जो कि जयपुर संभाग का भाग होगा। उसके बाद है भरतपुर संभाग, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये आएंगे। उसके बाद है कोटा संभाग, कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। नेक्स्ट है उदयपुर संभाग, इसके अंतर्गत चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और लास्ट आपका जो 7वां संभाग होगा वो अजमेर संभाग, जिसमें अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा। तो चैप्टर में जो चित्र दिया हुआ है राजस्थान के मैप का, वहां पर ये सभी संभाग जो है वो दिए हुए हैं। तो इसके अलावा हम जब ज्योग्राफी करेंगे तो वहां पर भी हम इसे पढ़ेंगे। यहाँ आपको सिर्फ ये याद रखना है कि राजस्थान में 7 संभाग हैं, बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग और अजमेर संभाग। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर जो है ये आज यहाँ पर खत्म होता है। 6th क्लास हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम 7th क्लास की पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।